राजस्थान हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद का निपटारा सीएम भजन लाल शर्मा और मनोहर लाल की मुलाकात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। राजस्थान के 3 जिलों को मिलेगा फायदा, सीकर, चूरू और झुंझुनू को मिलेगा फायदा। सीएम भजन लाल ने केंद्र और हरियाणा सरकार का आभार जताया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजस्थान के 3 जिलों को फायदा मिलेगा और इसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले जिन्हें फायदा मिलेगा। सीएम भजन लाल ने केंद्र और हरियाणा सरकार का आभार जताया है। ये तस्वीर सामने आई अब से कुछ समय पहले की, जब केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में ये राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद रहे और अब जल विवाद का निपटारा हुआ है। सीएम ने केंद्र और हरियाणा सरकार का इसको लेकर आभार जताया क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है और इस लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, अब इस विवाद से मुक्ति मिली और इसीलिए सीएम भजन लाल शर्मा ने इस विवाद निपटारे पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। तो वहीं साथ ही साथ हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद दिया है क्योंकि अब जब ये जल विवाद निपटारा हो गया है तो सीकर, चूरू और झुंझुनू को फायदा मिलेगा। आपको मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ और माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत चाहता हूँ। ये बहुत लंबे समय से लंबित योजना थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ वो कहते ही कहते हैं। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार माननीय खट्टर साहब ने बड़ा दिल करते हुए पूरी तरह से इस योजना को, क्योंकि इसमें 3 पाइपलाइन राजस्थान की और 1 पाइपलाइन हरियाणा की चलने वाली है, जो कि हरियाणा का भी बॉर्डर तक पानी जाने वाला है। इसके लिए हमारी आज डीपीआर के लिए सहमति सभी हुई है और हमारा जो पानी का हिस्सा है हरियाणा का, जितना वो हरियाणा का हमारा राजस्थान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हम राजस्थान के 3 जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था इस माध्यम से हमारी होगी। पुनः और लाल सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। लाल सिंह, जरा पहले इस विवाद को बताएं और अब क्योंकि इस विवाद का निपटारा हो गया तो कैसे फायदा होगा, किन किन जिलों को फायदा होगा और कब से ये फायदा शुरू होगा? देखिए, कुछ ऐसे विवाद थे जो लंबे समय से चले आ रहे थे। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल विवाद के कारण ERCP योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा था। पहला जो पायदान तय किया, एक बड़ी छलांग राजस्थान सरकार ने लगाई, मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर ERCP को उस मूर्त रूप में लाया गया जिसमें लाने की लंबे समय से ये जो तमाम जो जिले हैं वो वेट कर रहे थे। इसके साथ ही ये एक विवाद था जो 3 जिलों से जुड़ा हुआ था, मेगा सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये हरियाणा जल विवाद था, सरकारें अलग अलग रही, इस कारण से जल विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। जितना पानी राजस्थान को मिलना चाहिए था उतना पानी राजस्थान को नहीं मिल पा रहा था। इसका खामियाजा सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को बार बार भुगतना पड़ता था और यहाँ के किसान कई बार लगातार सरकारों से गुहार भी लगाते थे कि हमारे जो हिस्से का पानी है वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि कहीं इस पर गंभीरता से शायद काम नहीं हुआ, दोनों ही सरकारों ने गंभीरता से पहले शायद नहीं लिया होगा। और ये लंबा, ऐसा नहीं कोई 1-2 सालों का विवाद हो, काफी लंबा ये विवाद रहा है। लेकिन अब चूंकि तीनों ही स्थानों पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तीनों ने बैठकर आज दिल्ली में एक अहम इस पर समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की मौजूदगी में मनोहर लाल खट्टर और वीरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। पूरी इसकी एक DPR तैयार की गई है कि अब जो पानी, कितना पानी मिलना चाहिए हरियाणा को, कितना पानी राजस्थान को मिलना चाहिए, दोनों की सहमति से हुआ। यानी कि जो जल बंटवारा होना चाहिए, जिसको जितना पानी मिलना चाहिए, जिस राज्य के समय जितना आना चाहिए वो मिलेगा इस फैसले के बाद। और इसे जो अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो हमारे 3 जिलों को मिलेगा, आपके सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन जिलों को काफी फायदा मिलने वाला है। और जो किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे पानी की,
वो उनकी कहीं ना कहीं पूर्ति होगी, खासकर कृषि के लिए ये समझौता इन जिलों के लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह इस जानकारी के लिए।